स्वामित्व को जी। और मेरे इस लोकसभा क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सब लोगों के विश्वास और भरोसे के कारण आज ये जो हम शुरुआती रुझान में हमारी जो भारतीय जनता पार्टी को जो बढ़त मिली है, इसका श्रेय पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और इस क्षेत्र की जनता जनार्दन को जाता है। और जैसा कि आपने कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं कल भी समर्पित थी, आज भी समर्पित हूँ और आने वाले समय में भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि शहडोल संसदीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए मैं हमेशा प्रयास करती हूँ। कृषि या फिर उद्यानिकी क्षेत्र में या फिर रोजगार के क्षेत्र में निश्चित रूप से हर क्षेत्र में हमारा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ पे आने वाले समय में हर तरह की हम सुविधा, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। उस पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में मैम रोजगार की बहुत समस्या है, पलायन होता है, उस क्षेत्र के लिए क्या सोच रखती हैं आप? निश्चित रूप से अभी ये चुनाव का आज परिणाम आ रहा है और आने वाले समय में जिस तरह से जो विगत 10 सालों में जो हमारी सरकार ने पूरे देश में जिस तरह से कार्य किया है हर क्षेत्र में हर वर्ग के लोगों के लिए, आने वाले समय में भी इस देश के लिए, हमारे इस क्षेत्र के लिए मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम काम करें और जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जो हमारे विद्यार्थी हैं, सभी लोगों के लिए मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम इस क्षेत्र को सर्वांगीण विकास के पहले पायदान में रखें।